नमस्कार, स्वागत है आप लोग भोजपुरी 24x7 में। आज हमारी बहन ठाकुरी पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य वाली शैलेंद्र कुमार सिंह। तो शैलेंद्र कुमार सिंह से बात कर लीजिए और जान लीजिए कि यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ के वार्ड में कितना काम भइल बा और कितना रह गइल बा, और रह गइल बा तो कौन कारण रह गइल बा। तो सबसे पहले शैलेंद्र कुमार जी, राहुल हमारे चैनल में स्वागत बा। हमने के 13 नंबर वार्ड में हमारे हिसाब से 1 पैसे खर्चा नहीं हुआ जी, और ना मेरा वार्ड चयनित हुआ जी। मुखिया जी कुछ अपना काम कराए हैं जी, कैसे कैसे कराए हैं, किस योजना से कराए हैं, उसका जो भी जाँच चल रहा है उसमें भी 2 नंबर के काम किए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काम हुआ है मुखिया जी के अंडर में हुआ है, आपके अंडर में कुछ? मेरे अंडर में कुछ नहीं हुआ है। तो चेक तो आप ही पास किए होंगे ना? नहीं, हमारा चयनित नहीं हुआ, ना चेक पास किया, हमारा कोई पैसा देना चयनित नहीं हुआ। चयनित नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पदाधिकारी सीनियर जो भी हैं सब लोग देख रहे हैं, तो आप किससे शिकायत कर रहे हैं? मुखिया जी का शिकायत कर रहे हैं या फिर सरकार की शिकायत कर रहे हैं? इसमें तो सरकार 1 साल में 4 वार्ड चयनित करती है जी, इसमें जब हमारा टाइम आएगा 4 वार्ड के पूरा हो जाने के बाद, तो हमारा जिस हिसाब से प्रोसेस है कि 1 साल के बाद चार करते हैं जी, तो यहाँ जो मुखिया जी हैं ये 3 साल पूरा हो गया, चलते हैं 12 खत्म हो गया, 12 तो 13वां में आपका है जी, तो 13वां चौथा साल चलने लगा, चौथा साल चलने लगा। बार आशा है कि आपका आशा है कि चयनित हो जाएगा, मगर ये यहाँ जो चयनित हो जाता है, मगर कुछ जान बताइए कितने वार्ड है? हम लोग 3 वार्ड है। टोटल आपके पूरे पंचायत में कितने वार्ड है? 14 वार्ड है। 14 वार्ड, तब तो चयनित अनिवार्य है कि होना ही होना ही। और कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे अभी, कुछ बोल रहे थे आप? जैसे कि चयनित हो जाता तो कुछ इन लोग मुखिया जी लोग को लिख के देना पड़ता है, तो मैं हमारा ये चाह रहे थे कि पीछे हो चाहे ना हो, मतलब हमसे हमेशा एंटी में रहते हैं। अच्छा, और इनका जो काम करने का तरीका उस तरीका से मैं नहीं चलता हूँ, इसलिए हमसे वो अलग रहते हैं। जैसे आप कल ही देखिए हमें कहाँ पे नहीं थे, हम तो अपना हाजीपुर की तरह गए, तो हमको पता चला कि जाकर बड़े ऊपर केस किए हैं कि हमसे जबरदस्ती अगर NDA का वोट मांगे, जबकि खुद BJP है, तो NDA का वोट बड़ा वो क्यों मांगे उनसे? कौन कोई सबूत दे सकता है कि माले का वोट देते हैं चाहे RJD का वोट देते हैं? तो ये जब उनके ऊपर जांच चालू हुआ तो ये अपना मनगढ़ंत चालू कर दिया। मतलब जितना सारा शिकायत है आपके मुखिया से? हम मुखिया से शिकायत है ना जी, जी। हमारे गांव का जैसे कि सारा गांव मिलकर वोट दिया, समझा कि चले गांव के अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करेंगे, मगर ये तो अंदर अंदर पूरा खोखला करके रखते हैं। इसी तरह बने रहे भोजपुरी 24x7 न्यूज से, बने रहे। मैं विष्णु पाठक, कैमरामैन MD बेलाल के साथ।